प्रधान था, दोनों पद प्रधान थे, एक पद है वो दूसरे पद की क्या बताता है, विशेषता। इसलिए कर्मधारय समास को विशेषण विशेष्य समास भी कहते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था द्विगु समास, जिसका पहला पद क्या था, संख्यावाची, जो संख्या किसका बोध कराती है, समूह का बोध कराती है। उसके बाद में पांचवा हमने पढ़ा था द्वंद्व समास, इसमें क्या थे, दोनों पद क्या थे, प्रधान थे। समास विग्रह अपने करेंगे तो और अथवा या विभक्ति का प्रयोग। अंतिम समास अपना पड़ा था बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, समास विग्रह करने पर कोई अन्य यानी तीसरा अर्थ निकलता है, और पहचान की दृष्टि से जो देवी देवताओं से संबंधित नाम होते हैं वो किस में आते थे, बहुव्रीहि समास में। आज का अपना टॉपिक है वो क्या है, संधि है। ठीक है, संधि की परिभाषा में लिखिए आप, परिभाषा में लिख लो, दो शब्दों के मेल होने पर जो नया शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि यानी हमारे पास कितने शब्द होंगे, दो शब्द या ध्वनियां होंगी, उन दोनों शब्दों को अपने जोड़ेंगे तो उनको जोड़ने से क्या होगा, एक नया शब्द बन के आएगा। उस नए शब्द में कोई ना कोई अपने को क्या मिलेगा, बदलाव मिलेगा, जिसको अपने विकार बोलते हैं। वो नए बदलाव से जो नया शब्द अपने बनेगा वो नया शब्द क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। जैसे एक शब्द है कि हमें दो शब्द मिल गए, राम प्लस अवतार। इस शब्द का अपने संधि करेंगे तो नया शब्द क्या बनेगा, रामा अवतार। बदलाव कहां पर आया है, विकार। बदलाव कहां पर आया है, इस जगह पर बदलाव आया है, किसकी मात्रा है, यहां पर आ की मात्रा है कि नहीं, आ की। यहां पर किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। यहां पर किसकी मात्रा थी, यहां पर भी ए की मात्रा थी, लेकिन जब हमने इन दोनों की संधि की तो जो हमारा नया शब्द आया वो आ बन गया, यानी बदलाव आ गया। उस बदलाव को अपने क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी संधि युक्त शब्द वही होगा जिस शब्द के अंदर दो शब्द मिलेंगे और उन दोनों शब्दों के मिलने से जो नया शब्द आएगा उसमें कोई ना कोई बदलाव हो वो संधि कहलाती है। और बदलाव नहीं होता है तो फिर क्या होता है, एक संयोग होता है कि दो शब्द मिल गए, दोनों के मिलने से नया शब्द बन गया, बदलाव नहीं हुआ, वो संधि नहीं हुई, वो क्या हो गया, एक संयोग हो गया। ठीक है, संधि की परिभाषा में आपको इतना याद रखना है कि जब दो शब्द मिले और उन दोनों शब्दों के मिलने से जो नया शब्द बने उसमें कोई बदलाव हो वो क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। संधि के प्रकार, अब संधि करेंगे तभी शब्द आएंगे, फिर पहले बताने शुरू कर दी संधि, संधि संधि कौन सी है, फिर संधि सारी आ गई। संधि के प्रकार,
कितने प्रकार की होती है संधि? संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की संधि होती है। सबसे पहले कौन सी आती है? शवर संधि। नंबर दो पर व्यंजन संधि और नंबर तीन पर विसर्ग संधि। अब देखो शवर संधि, शवर के साथ जब किसका मेल हो, शवर का मेल हो, शवर के साथ जब किसका मेल हो, शवर का मेल हो, तो उसे क्या कहते हैं? शवर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन के साथ शवर और व्यंजन दोनों का मेल होगा वो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ शवर और व्यंजन दोनों का मेल होगा वो किस में आती है? विसर्ग संधि में। यानी शवर संधि है उसमें तो क्या होगा, शवर के साथ सिर्फ और सिर्फ किसका मेल होगा? शवर। कुल कितने शवर होते हैं? हिंदी भाषा में शवरों की कुल संख्या कितनी है? 11। चार कौन से हैं? हर्ष्व स्वर ए ई ऊ और री, बाकी सात वंश गए वो दीर्घ स्वर, वो सारे के सारे स्वर इस स्वर संधि में आते हैं। व्यंजन संधि में क्या होगा, पहला जो हमें शब्द मिलेगा उस शब्द का अंतिम अक्षर व्यंजन होगा, उसके साथ जुड़ने वाले जो शब्द हैं वो स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकते हैं। उसके बाद में तीसरा है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग के साथ किसका मेल होगा? स्वर का भी मेल होगा और व्यंजन का भी मेल होगा। ठीक है, इसकी परिभाषा आपको लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं क्योंकि आपको बता दिया। अब अपने सबसे पहले जो संधि है वो संधि करेंगे शवर संधि। कितने प्रकार माने गए हैं शवर संधि के? शवर संधि पांच प्रकार होते हैं शवर संधि के, पांच प्रकार होते हैं। एक एक प्रकार को अपने क्रम से करेंगे, ठीक है ना। पहला ही पहला जो प्रकार अपने करेंगे उसका नाम क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। दीर्घ स्वर संधि में आप लिखो, लिख लो एक बार, आप घर को याद करें तो याद रखने में आसान हो जाए। ए या आ के बाद ए ओब्लिक आ, यानी ए या आ के बाद ए या आ का मेल हो तो क्या बनेगा? आ बनेगा। उसके नीचे आप इस तरह से एक नंबर लगा के लिख लेना। पहला शवर संधि का पहला प्रकार है उसमें लिखना है आपको कि या तो प्लस से पहले वाला शब्द क्या हो, ए या आ में से कोई हो, या प्लस के बाद वाला शब्द है वो ए या आ में से कोई हो, यानी इन चारों में से कोई दो शब्द हो अगर हम उनका संधि करेंगे तो नया शब्द में किसकी मात्रा लगाएंगे? अपने आ की मात्रा लगाएंगे। ये शवर संधि का
ये सॉरी दीर्घ स्वर संधि का क्या है, पहला नियम है जो सबसे आसान है, ठीक है। शब्द लिख लो नीचे, नयन प्लस अभिराम, नयन प्लस अभिराम, दोनों की संधि करेंगे, यहां ए है ही और इसमें ने में क्या है, ए है। नियम हमारा क्या कहता है कि ए और ए आ गई तो आ बनाना है, आ प्लस आ गया तो आ बनाना है, आ प्लस ए आ गया तो आ बनेगा, और ए प्लस आ गया तो क्या बनेगा, आ की मात्रा लगेगी। तो नयन प्लस अभिराम का संधि करेंगे, नया शब्द क्या बनेगा, नैना विराम, नैना विराम। दूसरा लिखो, सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस अस्त क्या बन गया, सूर्यास्त। अच्छा सूर्यास्त। अगला लिखो, सत्य है प्लस आग्रह, सत्य है प्लस आग्रह, नया शब्द क्या बन गया, सत्याग्रह। छात्र प्लस आवास, छात्रावास। देव प्लस आल्य, विद्या प्लस आल्य, कंपटीशन में ये स्वर संधि है, जो संधि आपके लिए महत्वपूर्ण होगी वहां आपको मैं बता दूंगा कि यहां से प्रश्न उठता है उस संधि से, ठीक है ना। एग्जाम्पल तीन इजी मिलेंगे और एक एग्जाम्पल आपको कठिन मिलेगा, बाकी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण संधि के शब्द वो आपको मिलेंगे। पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं संधि के, कौन से शब्दों से संधि पूछी गई है, वो अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद में आपको बता देंगे कि ये बार बार परीक्षा की दृष्टि से बार बार आ रहे हैं वो, ठीक है ना। और कौन सी संधि से सर्वाधिक पूछे जाएंगे, वो संधि आती है मैं आपको बता दूंगा कि इस संधि से, यहां से सर्वाधिक क्वेश्चन है वो इस संधि से आते हैं, ठीक है। ये तो अपना पहला नियम था जो क्या था, बिल्कुल आसान था, कौन सा, दीर्घ स्वर संधि का। अब दीर्घ स्वर संधि का अपने दूसरा नियम लिखो, नंबर दो दीर्घ स्वर संधि का वो क्या है, ई ई के बाद क्या आ जाए, ई ई आई। तो संधि करते समय नया शब्द क्या बनाएंगे, ई बनाएंगे, नया शब्द क्या बनाएंगे, ई बनाएंगे। कौन सी स्वर संधि चल रही है अपने, दीर्घ स्वर संधि। इसमें देखो आप, पहला शब्द दीर्घ स्वर संधि में, रवि प्लस में इंद्र, रवि प्लस में इंद्र, संधि करेंगे क्या बनेगा, रविंद्र बनेगा। मात्रा छोटी लगाऊं या बड़ी, छोटी क्यों नहीं लगती भाई, यहां छोटी है ना, इधर ई बड़ी है, ठीक है।
अब अपने को ये तो है नहीं कि संधि किया हुआ शब्द मिलेगा पेपर में और उसको अपने संधि करके नया शब्द लिखना है। हमें ऐसे भी शब्द मिल सकते हैं कि निम्न शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, ये भी तो मिल सकता है। उसके लिए आप एक अगला शब्द, जैसे परीक्षा है, अपने ही आ जाए परीक्षा में कि परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद, शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है, कौन सा करेंगे परीक्षा शब्द में? परी, बड़ी या छोटी? प्लस यहां कौन सी आएगी, छोटी आएगी या बड़ी आएगी? छोटी आएगी, क्लियर है? मैं कहता हूं बड़ी आएगी। और यहां, यहां बड़ी क्यों नहीं आएगी? लिखो आप, यहां दिक्कत आती है अपने संधि विषय जब अपने पेपर में करते हैं ना, तो यहां दिक्कत आती है। दो ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो क्या होंगे, बिल्कुल ही गलत, दो ऑप्शन एक जैसे होंगे। आप तीर का निशान लगा के लिखिए, इस तरह से तीर का निशान लगा के महत्वपूर्ण डाल लेना, अपने पूरी संधि में काम आएगा, सभी संधियों के अंदर। लिखो तीर का निशान लगा के लिखो आप, लिखो प्लस से पहले उपसर्ग व पुल्लिंग हो, प्लस से पहले उपसर्ग व पुल्लिंग हो तो, प्लस से पहले उपसर्ग व पुल्लिंग हो तो ई उ की मात्रा लगेगी, कौन सी है? ई। अगर ई आ गई तो हमें कौन सी लगानी है? छोटी। और अगर ऊ है तो मात्रा कौन सी आएगी? छोटी। लिख लिया? अब समझो आप इस नियम को कि अपने संधि विच्छेद कर रहे हैं, संधि विच्छेद करेंगे बीच में किसका निशान अपने को मिलेगा? प्लस। प्लस से जो पहले वाला शब्द है वो या तो क्या हो, उपसर्ग हो, और या क्या हो, पुल्लिंग हो, दोनों में से किसी एक का बोध करा रहे हैं, तो उसमें अपने ई या ऊ की मात्रा कौन सी लगानी है? छोटी लगानी है। रवि पुरुष का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग का, पुरुष का मात्रा क्या होगी? छोटी आएगी। परीक्षा में परी क्या होता है? उपसर्ग। उपसर्ग के अंदर हमेशा मात्रा क्या होती है? छोटी होती है। ये नियम अच्छी तरह से याद कर लेना, कंठस्थी करना है, हमें अन्य गाइडों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो भी आएगा, सभी नियम आएंगे, आप थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है ना। चलत चलत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जावत पेशिल प्रपरत निशान, ठीक है ना। अब लिखो नीचे दूसरा नियम, दूसरे में अपने को लिखना है कि प्लस से पहले स्त्रीवाचक शब्द हो, प्लस से
पहले स्त्रीवाचक यानी जो शब्द हमें स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, शब्द हो तो ई और ऊ की मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आ गया समझ में? जब उपसर्ग पहले करेंगे तो फिर संधि नहीं आएगी, जरूरी है। कल ये दो आ रहे थे क्या? इन दोनों नियमों का पता नहीं था, आज पता चला है। कल इससे फालतू चलेंगे, फिर उससे फालतू चलेंगे। एक दिन में सारा काम नहीं होता है। और आपको तो करवाई हुई है संधि मेरे, कुछ कुछ तो याद होनी चाहिए। ये नियम वगैरह सारे लिखवाए थे, पर उसमें कहा भी था भी या अब दसवीं क्लास में तो नहीं काम आएंगे, लेकिन आगे जो एग्जाम है क्लास चाहे कौन सी हो करवाए तो थे, अब दोबारा रिपीट हो रही है। यानी प्लस से पहले हमें स्त्रीवाचक अगर शब्द मिल गया तो हमें ई और ऊ की मात्रा क्या लगानी है, बड़ी लगानी है, ठीक है ना। अब आप देखिए प्लस के बाद वाले लिखिए, चौथा नियम ये तीसरा, प्लस के बाद प्लस के बाद ईश्वर प्लस के बाद ईश्वर इच्छा इप्सा इक्षण, प्लस के बाद ईश्वर इच्छा इप्सा इक्षण, ये जो शब्द होते हैं इनमें ई की मात्रा कौन सी आती है, बड़ी। प्लस के बाद ईश्वर इच्छा इप्सा इक्षण शब्दों को छोड़कर शेष में छोटी ई की मात्रा होगी। यानी प्लस के बाद हमें ध्यान रखना है कि अगर ईश्वर इच्छा इप्सा इक्षण ये शब्द है तो अपनी मात्रा कौन सी लगा देनी है, बड़ी ई की। अगर ये नहीं है और ई की मात्रा आ गई तो कौन सी आएगी, वहां पे छोटी आएगी। ये दीर्घ स्वर संधि का जो दूसरा नियम है, उस दूसरे नियम में अपने ये तीन बातें याद रखनी है। धीरे धीरे जाएंगे सभी संधियों के अंदर ये बातें लागू हो जाएगी। ये केवल दीर्घ संधि में नहीं है, ये संधि के जितने भी शब्द होते हैं उसमें ये बात क्या होती है, लागू होती है। आए तीनों नियम समझ में? यानी प्लस से पहले अगर उपसर्ग पढ़ते हैं तब तो ई और ऊ में मात्रा कौन सी लगाएंगे, और प्लस के से पहले अगर स्त्रीलिंग है तो मात्रा कौन सी हो जाएगी, बड़ी। और प्लस के बाद ईश्वर इक्षण इक्षा इप्सा ये शब्द हैं, इनको छोड़ करके शेष जो शब्द होते हैं उसमें ई कौन सी लगती है, छोटी लगती है। बड़ी ई किस में लगती है, इन चारों में लगती है। आई समझ में क्या नहीं आई? तीसरा नियम लिखेंगे अपने हिसाब। पहला तो ए वाला आ गया, दूसरा ई का आ गया, तीसरा लिखो ऊ
के बाद अगर ऊ ऊ का मेल हो तो क्या बनता है? बड़ा ऊ बनता है। जैसे एक शब्द लिखो आप, बानु प्लस उदय, संधि करेंगे, शब्द क्या बनेगा? बानु किसका बोध कराता है? सूर्य क्या है? पुल्लिंग। मात्रा कौन सी है? छोटी लगी हुई है। ठीक है, दूसरा शब्द लिखो आप, लघु प्लस उत्तर, संधि करेंगे क्या बनेगा? लघु तर। उसके बाद में अगला शब्द लिखिए, भू प्लस उष्मा, भू प्लस उष्मा, संधि करेंगे शब्द क्या बनेगा? भूष्मा। स्त्रीलिंग, भू यानी पृथ्वी का बोध, पृथ्वी क्या होती है? स्त्रीवाचक होता है। मात्रा अपने आप क्या आ गई? बड़ी आ गई। उष्मा, ऊ की मात्रा कौन सी आएगी? यहां पे छोटी। इसके लिए ऊ का नियम और लिख लो आप, ऊ के अंदर कौन से शब्दों में मात्रा प्लस के बाद अपने बड़ी लगाते हैं उसमें लिखो आप, तीर का निशान लगाओ, पहले तीर का निशान लगा के लिखो, प्लस के बाद ऊर्जा, प्लस के बाद ऊर्जा, उर्मी, ऊर्दव, प्लस के बाद ऊर्जा, उर्मी, ऊर्दव और उष्मा, ये चार शब्द हैं। इन चारों शब्दों को छोड़कर शेष जितने भी शब्द होते हैं उसमें कौन सा ऊ आता है? छोटा ऊ आता है। बड़े ऊ की मात्रा किस किस में आएगी? इन चारों में आएगी, ऊर्जा में, उर्मी में, उर्दव में, उष्मा में। किसके बाद? प्लस के बाद वाला जो शब्द होगा उसमें। दो और दो चार नियम याद हो गए आपके, ठीक है। संधि विच्छेद करते समय आपको ये ध्यान में रखना है कि प्लस से पहले अगर उपसर्ग और पुल्लिंग युक्त शब्द है तब तो ई और ऊ की मात्रा क्या करेंगे? छोटी करेंगे। और स्त्री है, स्त्रीवाचक शब्द है तो ई और ऊ की मात्रा क्या हो जाएगी? बड़ी। और प्लस के बाद अगर ई वाला शब्द है उसमें क्या होगा? ईश, इक्षा, इप्सा, इक्षण, इन चारों के अंदर बड़ी लगती है, बाकी में सब में कौन सी आती है? छोटी आती है। और ऊ के अंदर ऊर्जा, उर्मी, उर्दव और उष्मा, इन चारों शब्दों के अंदर बड़े ऊ की मात्रा आती है, बाकी के अंदर कौन सी आती है? छोटे ऊ की मात्रा आती है।
ये आपको दीर्घ शवर संधि में याद रखना है। बाकी के जो चारों मैंने आपको मात्राओं के नियम बताए, ये अपने सभी संधियों के अंदर व्यंजन और विसर्ग संधि में जो शब्द आएंगे उन शब्दों में भी जहां पे स्वर से युक्त कोई शब्द आएगा वहां पर ये अपने को ये मात्राएं ध्यान में रखनी है। गलतियां हम ज्यादातर क्या करेंगे, प्लस के बाद वाले शब्दों में जो मात्रा लगाते हैं ना वहां करेंगे। संधि विच्छेद हर बच्चा सही करेगा, लेकिन संधि विच्छेद करते समय उसकी गलती वहां होगी कि वो मात्रा कौन सी लगाए, छोटी लगाए या बड़ी लगाए, व्याकरणिक दृष्टि से वहां होगी। अब संधि का तो ये नियम सही है कि ये वो आए या ये आए या ये आए या ये आए, कोई सा ये हमें बनाना कौन सा है, बड़ा वो बनाना है। लेकिन हमारे संधि से बना हुआ जो शब्द है वो भी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको ये चारों मात्राओं के नियम है ये याद रखना है। ये दीर्घ स्वर संधि थी अपनी पहली संधि, ठीक है। अब दूसरी संधि लिखो अपने, कौन सी, इनको छोड़कर शेष सभी में छोटे ऊ की मात्रा आती है, शेष सभी के अंदर छोटे ऊ की मात्रा आती है। गुण शवर संधि, किसको, करने के लिए लिखाने के एग्जाम्पल, ला एग्जाम्पल लिख लो, क्या दिक्कत है। उसमें लिखो रजनीश, आप घर पे करके देखना, रजनीश अधीन गुरुपदेश चमुर्जा, सरयूर्मी, और एक और लिख लो देवानंद, देवानंद लिख लिया। गुण स्वर संधि में देखो, पहली जो हमारी स्वर संधि थी दीर्घ स्वर संधि, उसमें तो ए आ और ई तीन ही थे। गुण स्वर संधि का अपने पहला नियम लिखो आप, ए या आ के बाद, ए या आ के बाद ई या ई आई, जो विस्तार से लिखना चाहता है वो विस्तार से लिख लो, और शॉर्ट में लिखना है तो यहां पे ये रहा कि ए या आ के बाद में ई या ई आई, तो इनकी अपने संधि करेंगे तो नया शब्द क्या बनेगा, ए बनेगा या आई बनेगा, ए बनेगा। मतलब कौन सी मात्रा लगानी है अपने को, छोटी नहीं होती यहां पे, ये आप ध्यान रखना। संधि किसकी होगी, इन दोनों शब्दों की होगी, ठीक है। गुण स्वर संधि की पहचान क्या है, उसमें कौन सी मात्रा ए की, जहां पे जिस शब्द में अपने को एक मात्रा लगी भी मिले उस शब्द में हमें कौन सी संधि का नियम लगाना है, गुण स्वर संधि का नियम लगाना है, ठीक है। दूसरा नियम इसका क्या है, दूसरा है
कि ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो नया शब्द क्या बनेगा? ओ बनेगा। नया शब्द क्या बनेगा? ओ बनेगा। मात्रा कौन सी लगी हुई मिलेगी अपने को? ओ की एक मात्रा लगी हुई मिलेगी। गुण स्वर संधि का ये अपने दूसरा नियम है। तीसरा नियम है, तीसरा नियम क्या है गुण स्वर संधि का? ए या आ के बाद क्या आ जाए? री। ए या आ के बाद किसका मेल हो? री का। तो नया शब्द क्या बनेगा इन दोनों के मेल से? रे क्या हो जाएगा यहां पे? आधा हो जाएगा। कितने प्रकार होते हैं रे के? रे की मात्राएं अपने कितने प्रकार में मिलती है? एक तो रे हमें इस रूप में मिलता है हिंदी के अंदर, एक इस रूप में मिलता है, एक रे की मात्रा इस रूप में मिलती है और एक इस रूप में मिलती है। इसको अपने बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वो री ऋषि किसकी? ये होती आदि वो, ठीक है ना। ये जो मात्रा है ये केवल टे वर्ग वाली लाइन के लिए बनी हुई है। रे की ये जो मात्रा है ये किसके लिए बनी हुई है? टे वर्ग वाली लाइन के, क्योंकि उसके नीचे अपने आधार लगा नहीं सकते। जैसे ही टे के नीचे अपने आधार ऐसे लगा देंगे तो ये टे क्या हो गया? आधा होगा। इसलिए इसके लिए स्पेशल बनाएंगे थे टे वाली लाइन के लिए। उसके बाद में बच गया कौन सा? जो रे किसी भी शब्द के शीर्ष यानी सिर के ऊपर लगा हुआ होता है उसका उच्चारण कब होता है? पहले होगा। जिसके ऊपर लगा हुआ है उससे क्या होगा? पहले होगा, ध्यान रखना। और ये रे जो किसी भी शब्द है उसके किस में लगा हुआ होता है? पैर के अंदर लगा हुआ होता है। इसका उच्चारण क्या होगा? जिस शब्द के पैर में लगा हुआ है उसके, क्योंकि हमारे पैरों में कोई चीज है उसकी अपनी ठोकर लगेगी, वो कहां जाएगी ठोकर लगने के बाद में? आगे ही जाएगी ना, वो तरीका इसमें है। और जो ज्यादा सिर के ऊपर चढ़ते हैं वो हमेशा कहां गिरते हैं? पीछे ही गिरते हैं। सर चढ़ने वाले लोग होते हैं वो कहां आखिर में वो क्या होते हैं? समाज से पीछे ही होते हैं। तो ये रहे हमेशा जिसके ऊपर लगा हुआ है उससे पीछे गिरेगा तभी तो आगे बोला जाएगा। और ये ठोकर से कहां जाता है? आगे की ओर जाता है। और ये रे स्पेशल किसके लिए होता है? टेवरक वर्ड लाइन के लिए होता है। तो ए या आ के बाद अगर क्या आ जाए? री आ जाए तो इन दोनों से क्या बन जाएगा? अर बनेगा। ये गुण स्वर संधि है। वो जो चार नियम बताए थे प्लस से पहले, अगर स्त्रीलिंग और होगा तब तो मात्रा ई और ऊ की कौन सी लगाएंगे? छोटी, याद रखना रखना आपको। और अगर उपसर्ग और पुलिंग आ गई तब मात्रा कौन सी होगी? छोटी स्त्रीलिंग की आ गई तो बड़ी होगी। इसकी आप उदाहरण लिखो अब गुण स्वर संधि के। पहला लिखो सुर प्लस इंद्र, अब देखो
सूर्य प्लस इंद्र, प्लस के बाद में इंद्र शब्द है, मात्रा कौन यहां पे ई कौन सी लगी हुई है, छोटी लगी हुई है। संधि विच्छेद करेंगे इन दोनों का क्या बनेगा, ए बनेगा, ए की मात्रा बनेगी, तो नया शब्द क्या बनेगा, सुरेंद्र। यानी ये ई और इसके अंदर से क्या बार निकल के आया, ए निकल के आया, दोनों से मात्रा बनेगी किसकी, बन गई ए की, वो ए की मात्रा रह के ऊपर आ गई, नया नाम बन गया सुरेंद्र। ये जैसा था वैसा का वैसा है, और यहां पे जैसा था वैसा का वैसा है, बदलाव किसी में आया है, इस ई के अंदर आया है सुरेंद्र। दूसरा शब्द लिखो, गण गणेश लिखो आप, गणेश शब्द, गणेश, गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा, गण प्लस में ईश, ये ईश लगाऊं या फिर ये ईश लगाऊं, ईश इक्षा इप्सा इक्षण, इसका लिखा हुआ नहीं है, लिख लो, तो हो सकता है कि मुख जुबान याद नहीं रहे, ईश इक्षा इप्सा इक्षण, ये चार लिखे थे मैंने आपको, ईश इक्षा इप्सा इक्षण, आपने कौन से लिखे हैं, ईश्वर में आएगा तो आगे शब्द आएंगे, तो यहां कौन सी मात्रा आएगी, ईश्वर इससे बन रहा है, ईश ईश्वर इक्षा इप्सा इक्षण, इसमें बड़ी होती है। एक शब्द और लिखो आप, रमेश, रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, रमा प्लस में ईश, रम नहीं होगा, ठीक है ना, रमेश में तो रमा प्लस में ईश, महेश के अंदर महाप्लस में ईश, और राजेश के अंदर राजा प्लस में ईश, तीन शब्द याद रख लो, कौन सा, एक तो रमा राजा और महा, संधि विच्छेद करते समय आपको यह याद होना चाहिए कि रमा राजा और महा, महेश का अपने संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, महा प्लस में ईश, राजेश का संधि विच्छेद राजा प्लस में ईश, रमेश का संधि विच्छेद रमा प्लस में ईश, ने की रम, ने की मह, ने की रज, ठीक है, ये तीन ध्यान रखना, और परीक्षा की दृष्टि से भी देख लेना कि महेश राजेश और रमेश, कभी कभार ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना वही डालते हैं, उसका संधि विच्छेद करना है तो अपने को क्या करना है, रमा राजा और महा करना है, ठीक है। एक शब्द आप और लिखो, भारतेंदु, भारतेंदु भारतेंदु, संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, भारत प्लस इंदु में ई की मात्रा कौन सी आएगी, छोटी आएगी,
ई से तो हरी अंतिम शब्द ही मिलेगा अपने को, जिसमें ई की होगी तो उसमें ई मिलेगा, ओ वाले में तो ऊ मिलेगा। ई की मात्रा किस में बड़ी आती है किस में छोटी आती है वो याद रखना है। चार शब्द जो बताइए आपको चार पांच ई के लिखाई है उसमें तो बड़ी, बाकी सारे जो शब्द है उसमें ई की मात्रा क्या होगी छोटी होगी। अगला शब्द और लिखो, शपथ प्लस ऋषि, शपथ प्लस में ऋषि, संधि विच्छेद करेंगे, री का क्या बना है अपने को, री है वो किस में बदलेगा आधे रे के अंदर, नया शब्द क्या बनेगा सप्त, री को हटा देंगे शब्द पलश में ऋषि, संधि विच्छेद क्या करेंगे री को अपने किस में बदल देंगे आधे रे के अंदर बदल देंगे, तो सप्त है वो तो सप्त का सप्त ऋषि, री है वो किस में आ जाएगी यहां पे आधे रे के अंदर आ जाएगी, अर ए और रे ये बन रहा है यहां पे, यहां सप्त में ते से क्या आ गया ए बार निकल गया प्लस यहां से री ऋषि बार आ गया, दोनों के मेल से नया शब्द क्या बनेगा अर, ए वापिस ते में चला जाएगा, रे किस क्या जाएगा इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है सप्त प्लस में ऋषि सप्त ऋषि, ये गुण स्वर संधि है। ए आ के बाद में अगर ई आए तो क्या बनाना है ए बनाना है, और ए आ के बाद में अगर ऊ ऊ आ जाए तो क्या बनेगा ओ बनेगा, और ए आ के बाद अगर री आए तो किस में बदल जाएगा अर में बदल जाएगा, रे क्या होगा उसमें आधा होगा, ये गुण स्वर संधि का नियम था। तीसरी जो हमारी संधि है वो दीर्घ गुण के बाद में क्या आती है वर्दी स्वर संधि, विशेषक तो स्पेशल संधि है अलग से, नंबर तीन पर डालो वर्दी स्वर संधि, वर्दी स्वर संधि में देखो ए या आ के साथ पहला नियम है ए या आ के साथ किसका मेल होने पर ए या आई का मेल होने पर क्या बनेगा आई, कितनी मात्रा लगी हुई होगी दो मात्राएं लगी हुई होगी ध्यान कर लेना। अब तक हमने जो दो संधि की थी उसमें ए आ के बाद में किसका मेल हो रहा था ई ई और ऊ ऊ का मेल हो रहा था, यानी हमारी संधि है वो ए आ ई ई ऊ ऊ और री सात स्वरों तक आ चुकी है, कुल स्वर कितने हैं ग्यारह, सात स्वरों तक संधि अपने दो में आ गई आ ई
ऊ की तो पहली दीर्घ स्वर संधि में और ई बड़ी की और री की गुण स्वर संधि में आ गई। वर्णी स्वर संधि में क्या होगा कि प्लस से पहले वाले शब्द में क्या हो, ए या आ हो, और प्लस के जो बाद वाला शब्द है उसमें या तो ए हो या ए हो। दोनों की अगर संधि करेंगे तो नया शब्द क्या बनेगा, आई। यानी शब्द के ऊपर कितनी मात्राएं लिखी हुई हो, दो मात्राएं लिखी हो। परीक्षा के अंदर सर्वाधिक जो क्वेश्चन है वो या तो गुण स्वर संधि वर्णी स्वर संधि से आते हैं या फिर यण स्वर संधि से आते हैं। स्वर संधि से जो एक प्रश्न पूछते हैं ना एग्जाम के अंदर, वो गुण वर्णी स्वर संधि और यण स्वर संधि, इन दोनों संधियों से सर्वाधिक क्वेश्चन उठाते हैं परीक्षा के अंदर। दूसरा नियम इसका क्या है, ए या आ के बाद क्या आ जाए, ओ या आउ आ जाए, तो नया शब्द क्या बनेगा, आउ बनेगा। नया शब्द क्या बनेगा, आउ बनेगा। अब यहां प्लस के बाद में ए और ओ दो नए स्वर आए हैं, ई का और ऊ का तो अपने पता चल गया कि प्लस के बाद में कि ये चार चार शब्द है उसमें तो मात्राएं ई और ऊ की बड़ी होती है बाकी में छोटी होती है। अब नए शब्द क्या आ गए, ए और ओ आ गए। अब नीचे आप वो दो नियम लिख लो कि प्लस के बाद में कौन से में तो अपने ए की मात्रा बड़ी लगाएंगे और कौन से में ओ है वो बड़ा होगा, वो शब्द लिखो आप तीर का निशान लगा के लिखो आप। पहला तो लिखो प्लस के बाद प्लस के बाद औसत औसत औषधि औदार्य औदार्य एक शब्द होता है औषम्य अर्थ पता नहीं है औषम्य औत्सुक्य और औचित्य। औचित्य ये जो शब्द होते हैं प्लस के बाद में अगर अपने संधि करेंगे और संधि करते समय अगर हमें ये शब्द मिले तो हमें यहां मात्रा किस क्या लगाना है, यहां पे औ लगाना है न कि ओ प्लस के बाद। ये तो है ओ में, ए में और लिख लो लिखो प्लस के बाद एक के एचिक और ऐश्वर्य। प्लस के बाद एक के ऐच्छिक
और ऐश्वर्य, इन शब्दों के अंदर पलश के बाद ऐश्वर्य, ऐच्छिक और ऐक्य, ये जो शब्द होते हैं इसमें किसकी मात्रा आती है? आई की मात्रा आती है। बाकी में किसकी मात्रा आएगी? ए की मात्रा आएगी। और इनके अंदर किसकी मात्रा आती है? औ की मात्रा आती है। शेष शब्दों में किसकी मात्रा आएगी? ओ की मात्रा आएगी। संधि विच्छेद करेंगे तब, जब हमें संधि विच्छेद किया हुआ शब्द मिल जाए तब तो हमें उसकी सिर्फ क्या संधि जोड़ करके नया शब्द लिखना है, और हमें कोई ऐसा शब्द मिले कि उसकी अपने को क्या करनी है? संधि विच्छेद करनी है। तो प्लस के बाद अपने इन शब्दों का ध्यान रखना है कि प्लस के बाद अगर औषध, औषधि, औदार्य, औषम्य, औत्सुक्य, औचित्य, ये अपने शब्द आ गए तो वहां पे ओ औ की मात्रा अपने कौन सी रखेंगे? औ की मात्रा रखेंगे। और ए के अंदर अगर एक के ऐच्छिक और ऐश्वर्य आ गए तो वहां पे किसकी मात्रा आएगी? आई की मात्रा आएगी। और ई के अंदर ईश, इच्छा, इप्सा, ईश्वर, इसमें बड़ी की मात्रा होती है। ऊ के अंदर ऊर्जा, उष्मा, उर्मी, उर्दव, और एक और कौन सा था? इतने शब्दों में वो आएगा, बाकी और कोई शब्द है उसमें मात्रा किसकी? ओ की। शेष के अंदर ओ। इसके उदाहरण अपने आगे, ये जो अपनी वर्दी स्वर संधि है ना, इसके उदाहरण अपने कल करेंगे, ठीक है ना? ये इतनी आप याद रखना, मेन समस्या संधि के अंदर क्या होगी कि मात्राओं की होती है, कि मात्राएं कहां अपने गलत लगा रहे हैं, कहां आसान। बाकी आपको धारण करने के लिए जो शब्द मिलेंगे ना, ये स्वर संधि पूरी होने के बाद में आपको एक पेज मिलेगा यहाँ बोल्ड के ऊपर, उसमें आपको मैं जो महत्वपूर्ण शब्द होते हैं उनकी संधि अपने यहाँ सामूहिक रूप से करेंगे, वहां अपने करेंगे तो वहां में मात्राएं भी याद हो जाएगी और हमें संधि के जो नियम है वो नियम भी याद हो जाएंगे। आया समझ में? पंचपात्र में समास कौन सा होगा? पंचपात्र पांच पात्रों का समूह है। पहला शब्द किसका बोध करा रहा है? संख्यावाचक कौन सा है? द्विगु। काला कपड़ा में कौन सा समास है? त्रिदेव। तीन देव, त्रिदेव के अंदर वो आता है त्रिदेव, वो दोनों भी है। त्रिदेव में तो ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं। उसमें हाँ दो समास आएंगे तो वहां पे जहाँ बहुबुरी समास का नाम लिखा हुआ है ना, तो वहां पे वो जो अपना ऑप्शन है उसमें द्विगु का नाम नहीं होगा। अगर दोनों नाम हो गए तो ऑप्शन गलत। पहली बात हो गए नहीं, अगर हो गए तो फिर वो क्वेश्चन डिलीट करना पड़ेगा, या फिर वो कोई वाक्य बना के देंगे, देवताओं से संबंधित वाक्य बना के दें तब। और सीधा अगर पूछेंगे तो उसमें एक ही ऑप्शन देंगे अपने को, ठीक है? बहुबरी समास के अंदर जो शब्द होते हैं एक अर्थ निकलेगा, जो सृष्टि में केवल मात्र क्या है उनके लिए नाम एक आ गया। देवता कितने? 33 करोड़ देवता है, लेकिन त्रिदेव के ब्रह्मा विष्णु महेश।
एक के लिए आए, बाकी दो देवता और बच गए करोड़ों के, हो सके बाकी आपका तो ये सीपी का एग्जाम है, हिंदी और प्लस में हिंदी लगभग आसान है, थोड़ी सी हिंदी आसान है, हिंदी आसान बोलिया है। कितने पेपर देखे हैं ना सर, पढ़ाई का सारे आप पीछे वाले ये बोले कर अभी अपवाद दर पे बनाई आज रेफरेंस भी बनिया है तो सर आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी का मतलब कि बच्चे को सामान्य वेद पढ़ा नहीं है तो पढ़े क्यों है वो मैथ अलग होती है, अलग सामान्य हिंदी का मतलब आपको हिंदी के बारे में कुछ ना कुछ जानता है या नहीं, ये जो अपवाद समानुपाती है तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड उसमें आती है अपवाद वाली बात ना सर, और पेपर हम दिया है।